हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने टू चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करें, खबर निकल के आ रही मुईन अली के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि मुईन अली पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और उनको क्वारंटीन से रिलीज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो इंग्लैंड की बायो बबल में भी शामिल हुए हैं और अब तय माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में अवेलेबल रह सकते हैं। सुगत की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनको दूसरे टेस्ट मैच में जगह मिल सकती है, मुईन अली को जिनको क्वारंटीन से रिलीज किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है आईपीएल 2021 के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल 2021 की आखिरी डेट यानी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 4 फरवरी को रखी गई है। अगर किसी नए खिलाड़ी को आईपीएल 2021 के ऑक्शन में अपना नाम डालना है तो 4 फरवरी तक उसका अपना नाम देना होगा, वो भी स्टेट एसोसिएशन थ्रो, ना कि बीसीसीआई थ्रो, सिर्फ स्टेट एसोसिएशन थ्रो ही वो अपना नाम दे सकता है। 4 फरवरी से पहले अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो उनको स्टेट एसोसिएशन खुद नाम लिखेगी, और अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो उनको नाम नहीं देंगे। लेकिन 4 फरवरी तक रखा गया है सो रजिस्ट्रेशन नाम देना है। इसके अलावा 21 जनवरी को रखा गया है रिटेंशन और रिलीजिंग डेट। इसके अलावा ट्रेडिंग विंडो भी 4 फरवरी को रखा गया है। इसके अलावा अब ऑक्शन की डेट अभी फिक्स नहीं है, दो डेटें हैं जिनमें 11 फरवरी और 16 फरवरी को दो डेटें रखी गई हैं। अब जो आज बीसीसीआई की मीटिंग है उस पर फैसला लिया जाएगा कौन सी डेट रखी जाए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है शकीब उल हसन के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, शकीब उल हसन बांग्लादेश टीम में शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 जनवरी से होने वाले वनडे सीरीज़ के लिए वो शामिल किए गए हैं और अब वो 20 जनवरी से होने वाले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज़ में खेलते हुए दिखेंगे और वो लगभग 14 से 16 महीनों के बाद ही वो क्रिकेट में वापसी करेंगे और अब वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 20 जनवरी से होने वाले वनडे सीरीज़ से शुरुआत करेंगे। ये जगत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है जो आज जो जनरल मीटिंग एपेक्स मीटिंग रखी गई है, जो बीसीसीआई की मीटिंग है उस पर सब की नज़र रहेगी। अगर बात की जाए उस पर कौन कौन से मुद्दे रखे गए हैं तो मैं आपको बता दूं, पहला मुद्दा है कि जो 10 टीमें आईपीएल 2022 में आईपीएल टीमें हैं, 10 टीमें हैं उन पर भी नज़र रहेगी कि जो एफटीपी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है आईसीसी का, उसमें सिर्फ 2 महीने का गैप रखा गया है आईपीएल के लिए। अब बीसीसीआई चाहेगी उसको 2.5 महीने कर दिया जाए क्योंकि अब 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा तो 2.5 महीने इसमें लगेंगे और जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसको 2.5 महीने जो आईपीएल के लिए 2.5 महीने रखे जाएं, अब बीसीसीआई की यही मकसद रहेगा। इसके अलावा जो 16 फरवरी को आईपीएल ऑक्शन होने हैं उस पर भी तैयारी की जाएगी। जो 16 फरवरी अगर मोटेरा स्टेडियम में ऑक्शन होते हैं तो वहां पर सभी तैयारी की जाएंगी। 16 फरवरी को सभी जो ऑक्शन होंगे वो जो 16 फरवरी को होंगे। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी पर भी फैसला लिया जाएगा कि रणजी